नाग नदी प्रकल्प पर राज्य सरकार के खर्च को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रकल्प का अमल तथा संनियंत्रण के लिए समन्वय समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। टाटा मोटर्स की बहुप्रतीक्षित प्रीमियम हैचबैक एल्ट्रोस कार बुधवार को अधिकृत विक्रेता जायका टाटा में लॉन्च किया गया। टाटा एल्ट्रोस 5 वेरिएंट XI, XM, XT, XZ और XZO और 5 कलर ऑप्शन हाई स्ट्रीट गोल्ड, मिड टाउन ग्रे, स्काईलाइन सिल्वर, डाउन टाउन रेड, एवेन्यू व्हाइट में उपलब्ध रहेगी। कार के बेस्ट वेरिएंट की कीमत 5.29 लाख रुपए है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 9,39,000 रुपए है। एल्ट्रोस ब्रांड अल्फा प्लेटफॉर्म पर बनाई गई कंपनी की पहली कार है। एल्ट्रोस में BS6 एमिशन नॉर्म्स वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 85 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, और 1.5 लीटर डीजल इंजन 89 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। दोनों इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन साथ आएंगे। आपत्ति ने मैं सबसे पहले कैबिनेट को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नागपुर शहर की ओर से कि उन्होंने इस प्रकल्प को मंजूरी दी, लेकिन देते वक्त उन्होंने इसमें एक समन्वय समिति बनाकर उस यदि बनानी थी तो उसमें से कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के मंत्री और कमिश्नर को न रखते हुए इस शहर के लाडले खासदार जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है ऐसे माननीय नितिन जी होंगे, माननीय हमारे महापौर संदीप जी होंगे, शहर के जो सारे जिन मतदार संघों से नाग नदी गुजरती है वहाँ के सम्माननीय MLA होंगे, माननीय देवेंद्र जी होंगे, विकास ठाकरे होंगे, मोहन मते जी होंगे, कृष्णा खोपड़े जी होंगे, ऐसी सभी को बनाकर एक समन्वय समिति बनानी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समिति में से श्रेय की लड़ाई होगी और इस कारण समन्वय बराबर नहीं होगा ऐसा मेरा कहना है, इसलिए मैंने आपत्ति दर्ज की है और ऐसी समिति इसके पहले किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं बनी। ऐसा जब से मैं महानगर पालिका में काम कर रहा हूँ तब से मुझे मेरा अभ्यास है, इसलिए समिति बनाकर सिर्फ इसमें श्रेय की लड़ाई लड़ना, श्रेय अपने तरफ लेने की ये करना, गए 4-5-6 सालों से इसका अविरत प्रयत्न चल रहा है। माननीय नितिन जी होंगे, माननीय अनिल सोले होंगे, नंदता जिस्कर होंगी, हमारे सारे मेयर होंगे, माननीय अभी संदीप जी है, सभी ने कुछ ना कुछ काम करते हुए प्रोजेक्ट यहाँ तक लाया है और सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी के बाद एक समन्वय नियंत्रण समिति, समन्वय समिति, एग्जीक्यूटिव अमल बजावनी समिति ये कर इस प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाने का काम राज्य सरकार ने किया है, ऐसा मेरा कहना है और वो कहना इस समिति में जो नाम है वो देखकर 100% सच है ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल ये राजनीति हेतु से ही लिया है। नागपुर की परंपरा है कि विकास कामों में कोई राजनीति होती नहीं, कोई पक्षीय अभिनिवेश हम लेते नहीं, लेकिन इस प्रकल्प में ये लिया हुआ है इसलिए इस समिति का मैं विरोध करता हूँ। नहीं, इसलिए उनको समन्वय नहीं बनाना है, उनको सिर्फ राजकारण करना है, इसलिए समिति है और इसलिए नागपुर महानगर पालिका में भाजप के हमारे सारे नगर सेवक हम पुरजोर तरीके से इस समिति का विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जो फैसला है, महानगर पालिका अपनी तरफ से अपना विरोध प्रदर्शन लिखित राज्य सरकार तक पहुंचाएगी, तो हम हमारे फ्लोर पर बात करेंगे, लेकिन जो मनीषा से सरकार ने समन्वय समिति बनाई है इसके पहले भी माननीय देवेंद्र जी फडणवीस में भाजप सेना युति का सरकार था, अनेक प्रोजेक्ट जहाँ BJP का सरकार नहीं है जिस महानगर पालिका में वहाँ भी बने, लेकिन ऐसी कोई गलत सलत समिति कभी बनाई नहीं और सिर्फ राजकीय अभिनय से समिति बनाना ये उचित बात नहीं। इसमें इस समिति के कारण ऐसी समितियों के कारण विकास के कामों में रोड़े आ सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।